तो फिलहाल यार मैं अभी पहाड़ के टॉप पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे एक अच्छी डेस्टिनेशन मिली और मैंने अपना टेंट भी पिच कर दिया है। लेकिन जो आज मेरी वाट लगी है ऊपर आते आते, सही में यार ऐसी वाट मेरी आज तक कभी नहीं लगी। पता नहीं क्यों बैग यार आज काफ़ी भारी हो रहा था। फिलहाल यार आज का मौसम काफ़ी खुला हुआ है यार, मुझे भी ऐसा मौसम बहुत ही समय के बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल रेनी सीजन है तो कभी भी बारिश हो जा रही है, तो जिसके चलते आज का मौसम काफ़ी क्लियर है और पीछे भी हिमालय भी मुझे देखने को मिला। तो फिलहाल आपको तो अभी हल्का सा क्लाउड होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे मैं आपको ज़रूर उसका एक व्यू दिखाऊँगा। तो फिलहाल यार आज मैं क्या कुक करने वाला हूँ मैं आने वाली वीडियो में अभी आपको बताऊंगा, तो इसलिए यार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फिर करते हैं आपके साथ कुकिंग को स्टार्ट। तो यार जो ये चीड़ की पत्तियाँ होती हैं ये काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेती हैं, इसी के चलते गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा आग भी लगती है उत्तराखंड में, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये मेरे बहुत काम आ रही हैं। तो मैं इस पर लगाने वाला हूँ लेप, क्योंकि अगर मैं इस पर लेप नहीं लगाऊंगा और डायरेक्ट इसे लकड़ियों के ऊपर आग में रख दूंगा तो यार ये बहुत ही ज़्यादा काला हो जाएगा और वो कालापन इससे निकलेगा भी नहीं। इसी के चलते मैं इसकी सेफ्टी के लिए इसके बाहर से मिट्टी का लेप लगाता हूँ। तो वैसे मुझे पता है फिर भी काला हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बचेगा, तो देखते हैं कितना बचता है। तो फिलहाल यहाँ पर चावल कुक हो रहे हैं और वहाँ पर मेरे अंडे बॉयल हो रहे हैं और सामने का नज़ारा आप देख सकते हो, आज पूरा हिमालय क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप पूरा हिमालय क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से, मस्त लग रहा है ना, मस्त। तो यार मेरे यहाँ पर चावल भी रेडी हो चुके हैं और ये देख सकते हो आप बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हुए हैं। तो आधा घंटे से ऊपर हो चुका है और मुझे लग रहा है अंडे पूरे बॉयल हो चुके होंगे, तो अब इन्हें निकाल देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फिलहाल मैं घर से दो अंडे लाया था और यार मुझे भूख लग गई है, मुझे लग रहा है एक अब मैं ऐसे ही खा लूँगा और एक को कुक करने के बाद ही खाऊँगा। खाते हैं इसे। मस्त यार, मस्त मस्त हो रहा है। मजा ही आ गया यार दोस्तों, सही में।
तो फाइनली मैंने राइस और अंडा करी एकदम कुक कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बनाया। राइस तो बिल्कुल आप देख सकते हो एकदम खिले खिले हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ अंडा करी कैसी बनी है, और वो भी काफ़ी अच्छी बनी है। कलर देखकर ही पता लग रहा है कि कितनी टेस्टी हो रही होगी। तो जल्दी से लगाते हैं प्लेट में और चेक करके बताता हूँ मैं आपको कि कैसा टेस्ट आ रहा है इसमें। तो खाना यार सच में बहुत ही अच्छा बना था। तो आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।